Assalamu alaikum dear friends, I am Sajid Ali. In my last lecture we discussed about the Khilafat movement. So dear friends, in this lecture we discuss Delhi Muslim proposals which were presented by Muslim League in 1927. So dear friends, in this lecture we also discuss Hindu Muslim unity. First of all, I want to share something with you that many friends told me that I should deliver my lecture in Urdu or Sindhi language. So that's why I have decided to present this lecture in Urdu language. So dear friends, the main topic of this lecture is Delhi Muslim proposals. तो दोस्तों, इसको जो नाम दिया गया दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल्स, वो क्यों दिया गया और ये है क्या, इस प्रपोज़ल्स में क्या कहा गया? सबसे पहले हम बात करेंगे जो हिंदू थे उन लोगों की राय जो थी सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ क्या थी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या समझ रहे थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पीछे क्या वजूहत थी कि वो हिंदू और मुसलमान जो थे वो मुत्तहिद नहीं हो रहे थे कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू हिंदूज़। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे ये कि हिंदूज़ जो थे वो लोग ये समझ रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाहिद एक वजह है जो हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी में एक ही फैक्टर है जो उनको रोक के रखा है। इसलिए जब तक मुसलमान जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो सकेंगे। ये राय थी हिंदूज़ की जो हिंदुस्तान में थे, और मुसलमान जो मुसलमान में थे हम उसकी भी बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का ये मानना था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो हमारा एक ऐसा हक है, इसकी वजह से हम अपने जो मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने लीडर्स हैं, मुसलमान ही हम मुंतखब कर सकते हैं। इसलिए ये एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदू मुत्तहिद ना हो सकें। तो दोस्तों, कायदे आज़म ने एक डिसीशन लिया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कैसे बरकरार रखा जाए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो ज़रूरी है इस वक्त, कायदे आज़म ने कहा, क्योंकि जो हमारे ऊपर जो हुकूमत है वो बरतानिया की है, हम उस हुकूमत से हक कैसे लें अपने। इसलिए हम जब तक एक नहीं हो जाते तब तक हम अपने हक वसूल नहीं कर सकते, ले नहीं सकते हुकूमत से। इसलिए कायदे आज़म दिल्ली में था उस वक्त और एक सेशन था, बजट सेशन, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का काउंसिल का सेशन था, बजट सेशन था, वहाँ कायदे आज़म को पार्टिसिपेट करना था। उसी दौरान कायदे आज़म ने 30 अदर जो थे वो लीडर्स को भी इनवाइट किया वहाँ पर, सिर्फ इसलिए कि एक प्रपोज़ल बनाया जाए जिसमें हम हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को बरकरार रख सकें। सो दोस्तों, जब 30 मुसलमान लीडर्स और कायदे आज़म वहाँ पर एक जगह पर बैठकर एक प्रपोज़ल बनाते हैं, उस प्रपोज़ल को हम दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल का नाम दे रहे हैं। वो इसलिए कि वो दिल्ली शहर में बनाया गया और वो जो प्रपोज़ल बनाया गया वो मुसलमान लीडर्स ही थे जिन्होंने बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायदे आज़म की जो राय थी वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मेंटेन करने की थी, उसको बरकरार रखने के लिए थी। तो दोस्तों, जो उसके मेन फीचर्स थे, उसके 4 पॉइंट्स हैं। पहले तो सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जुदा किया जाए, दूसरा NWFP और बलूचिस्तान में लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लिए लाए जाएं, लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किए जाएं, और तीसरा ये था कि पंजाब और बंगाल में जो
आबादी के बुनियाद पर मुंतखब किए जाएँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। चौथा ये था कि वन थर्ड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। ये जो डिमांड्स थी, ये मेन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में। ये प्रपोजल जो मुसलमानों ने बनाया कायद आज़म के साथ बैठकर, इस प्रपोजल में सेपरेट इलेक्टोरेट को मुसलमानों ने ख़त्म किया, सिर्फ इस वजह से कि हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर काम करें और मुत्तहिद रहें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, बात यह है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मेंटेन करने के लिए मुसलमानों ने तो कुर्बानी दी, सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म करने का फ़ैसला किया, लेकिन जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका क्या मशवरा था, उनका जवाब क्या था, इंक्लूडिंग कांग्रेस। तो पहले कांग्रेस का ज़िक्र करेंगे। कांग्रेस पहले सेपरेट उसको जो है दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स 6 माह के बाद उसको रिजेक्ट कर देती है। सिख बहुत बड़ी हिंदुस्तान की कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी ने भी रिजेक्ट कर दिया। हिंदू महासभा एक ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदू कम्युनिटी की, तो उसने भी उसको कबूल नहीं किया, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। हिंदू प्रेस थी, इन सब लोगों ने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया टोटली। कांग्रेस ने पहले एक्सेप्ट किया लेकिन उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स के जो असरात थे वो मुस्लिम लीग पर क्या हुए, कैसे हुए। सबसे पहले मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी मुसलमानों की, हिंदुस्तानी मुसलमानों की। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में जैसे ही ये डिसीजन लिया गया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को विदड्रा करेंगे, गिव अप करेंगे, तो काफ़ी जो मुस्लिम लीग के मुसलमान मेंबर्स थे, वैसे तो थी भी मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी, मुसलमान जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग में, काफ़ी ऐसे मेंबर्स थे उन्होंने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म नहीं करेंगे, एक ही ये रास्ता है जिसकी वजह से हम अपने हक ठीक तरह से ले सकते हैं हुकूमत से, क्योंकि हम सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत अपने मुसलमान जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उसे मुसलमानों को ही मुंतखब कर सकते हैं। तो उसी वजह से मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बट गई, पहले एक थी, उसके बाद जनाह लीग जो जनाह की फेवर में थे उसको जनाह लीग कहा गया, और शफी लीग, शफी मियां मोहम्मद शफी पंजाब मुस्लिम लीग का लीडर था तो वो उसकी फेवर में नहीं था दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स की। तो जो लोग उसकी फेवर में नहीं थे, जो मेंबर, वो शफी लीग में चले गए। इसी तरीके से मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो डिवाइड हो गई, 2 हिस्सों में बट गई। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स को, और उसके अलावा जो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे वो ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी कुछ मुसलमानों ने बनाई और हिंदू कम्युनिटी ने भी बनाई, अपने मज़हब को, कल्चर को, और अपने जो भी अपने सोसाइटी में ट्रेंड्स हैं उसको बचाने के लिए, उसको उनमें से रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे शुद्धि और संगठन। शुद्धि और संगठन जो उसके लीडर्स थे, उन लोगों के मैंने नाम यहाँ लिखे हुए हैं, पंडित मदन मलविया और लाला लजपत राय भी था, तीसरा भी था शरधन। ये जो लीडर्स थे इन लोगों ने शुद्धि और संगठन एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी। इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मकसद ये था कि जो मुसलमान लोग हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, हिंदुइज्म में हिंदू बनाया जाए, और हिंदुइज्म जो मज़हब है उनमें हम जो है रिफॉर्म्स लाएं। ठीक है जी,
तो उसके बदले में मुसलमानों ने दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, तंजीम और तबलीग। उनके जो लीडर्स थे वो उनके में मैंने नाम लिखे हुए हैं। तो ये रिप्लाई था संगठन और शुद्धि ऑर्गेनाइजेशंस की रिप्लाई में ये बनाया गया। और ये लास्ट है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो टोटली मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी हिंदुस्तान में। सो दोस्तों, हमने जो भी डिस्कस किया, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स और काफ़ी और जो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रिलेटेड विथ मुस्लिम्स एंड दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये भी उसी वक्त ही थी एट द टाइम ऑफ दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स। तो कायद आज़म ने हिंदू और मुस्लिम को मेंटेन करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को विदड्रा किया इस दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में। सो दोस्तों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा साइमन कमीशन के बारे में। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।